फिर से वेलकम है आप सभी को मेरे चैनल में। आज आपके सामने है एमजी हेक्टर टॉप वेरिएंट पेट्रोल में। आज इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू मैं आपको देने जाऊंगा। सबसे फर्स्ट इस कार का प्राइस स्टार्टिंग होता है 14.99 से। टॉप मॉडल मिल जाएगा आपको 24.99। सो आप ग्रिल देख सकते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला ग्रिल है इस कार का, जिसे डायमंड शेप ग्रिल भी कहते हैं, डायमंड मैश ग्रिल। और आप सभी से आशा करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करके ही जाएगा। इस एसयूवी में आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट ये ग्रिल करने वाला है। ये देखिए काफी बड़ा सा ग्रिल फुली क्रोम फिनिशिंग के साथ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एमजी की प्रीमियम बेजिंग, ठीक नीचे आपको 360 कैमरा का जो सेटअप देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी का टोटल लुक काफी ज्यादा प्रीमियम आ रहा है। ये देखिए यहाँ से पूरा आपको क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। सो नीचे की तरफ हेडलैम्प एलईडी में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा राउंड शेप आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने के लिए मिल जाता है कुछ ऐसा। नीचे की तरफ फॉग लैंप का सेटिंग, यहाँ पे सेंसर, फ्रंट सेंसर, ठीक फ्रंट जो स्किड प्लेट है वहां पे भी आपको क्रोम एलिमेंट देखने के लिए मिल जाता है। और ये है इस कार का साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल से काफी ज्यादा बड़ा चौड़ा है। मेरे हिसाब से मुझे ये कार फॉर्च्यूनर से ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफी ज्यादा फीचर्स भर भर के देखने के लिए मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल दिखाएगा तो गुडियर का टायर आपको देखने के लिए मिल जाता है। डायमंड कट्स एलॉयस फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डिस्क मिल जाता है। टायर साइज है 215x55 R18 इंच का, जो कि काफी बड़ा आपको टायर मिल जाएगा। आपका ग्रिप भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इस कार में आपको एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जो कि 192 mm का। ऑफ रोडिंग में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ORVM विद टर्न इंडिकेटर एलईडी में देखने को मिलेगा। ठीक नीचे यहाँ पे आपको कैमरा का सेटअप, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जो कि सिल्वर कलर में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। कार का लुक्स को और भी स्पोर्टी बना देते हैं। विंडो गार्डिस क्रोम फिनिशिंग के साथ कुछ ऐसा आपको यहाँ पे भी क्रोम फिनिशिंग देखने मिलेगा डोर हैंडल में एंड रिक्वेस्ट सेंसर्स। सेफ्टी फीचर में बहुत कुछ है गाइस, जैसे कि ऑटोनोमस लेवल 2 एडास फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, 360 कैमरा। ये देखिए रियर का जो टायर है वहां पे भी आपको रियर डिस्क ब्रेक मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी होने वाला है 60 लीटर का, काफी बड़ा सा फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। एंड यह है रियर प्रोफाइल इस कार का। रियर से देखने में काफी ज्यादा मस्कुलर एंड प्रीमियम लगे आपको रियर में भी। सबसे पहले ऊपर आपको सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ देखने मिलेगा, शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर काफी बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे हाई स्टॉप टेल लैम्प, डिफोगर, वाइपर वगैरह। यह है कनेक्टेड टेल लैम्प और काफी बड़ा सा कनेक्टेड टेल लैम्प देखने में मिल जाता है, जो काफी एग्रेसिव सा लुक्स निकाल के दे रहा है कुछ ऐसा। पूरा एलईडी में मिलेगा, साइड में भी आपको रियर में भी एमजी का लोगो एंड हेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए हेक्टर प्लस क्रोम फिनिशिंग के साथ। नीचे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट ब्लैक में मिलेगा, विथ साइड साइड में आपको क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाता है। रियर सेंसर्स, फोर सेंसर्स आ जाता है यहाँ पे भी क्रोम फिनिशिंग। एंड नीचे की तरफ साइलेंसर पाइप कुछ ऐसा लगेगा। जो अभी आप देख रहे हैं ये गाड़ी पेट्रोल में है, इसमें आपको डीजल में भी देखने के लिए मिलेगा एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी मिलेगा। ऑटो में आपको सिर्फ पेट्रोल ही ऑप्शन अवेलेबल किया हुआ है। एंड कुछ ऐसा बूट खोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक आपको ऑफ भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा और ओपन भी हो जाते हैं कुछ ऐसा है। इंटीरियर ये जो वेरिएंट है 6 सीटर हम आपको दिखा रहा है, इसमें 7 सीटर भी आता है। बूट स्पेस ठीक ठाक है 6 सीटर का हिसाब से। नीचे की तरफ आपको टायर स्पेयर टायर खोलने का किट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे बूट लैंप्स एलईडी में देखने के लिए मिलेगा। इंटीरियर में आप मैक्सिमम कार में हेलोजन में देखा होगा, तो इसमें बूट लैंप्स भी आपको एलईडी में मिल जाते हैं। सो अभी हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे बटन है, इसे आप दबाते ही बूट ऑटो बंद हो जाएगा। इसे आप अंदर ड्राइवर के साइड से भी एक स्विच है, वहां से भी आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सो काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं कि कुछ ऐसा है स्मार्ट की जो सेंसर से इसके सामने आप गाड़ी का नजदीक जाएगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है। कार जो आप दूर चलेंगे तो ऑटो लॉक भी हो जाएगा। सो चल के देखते हैं इंटीरियर कैसा है इस कार का।
डोर खोलते ही सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ फुली लेदर फिनिश किनार किनार में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये है सॉफ्ट टच मटेरियल एंड ये पार्ट्स जो आपको पियानो ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा। ऑल पावर विंडो स्विचेस जो कि वन टच अप एंड वन टच डाउन फीचर्स के साथ आता है। यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग, यहाँ पे ग्लास लॉक, यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग एंड इन्फिनिटी का स्पीकर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। टोटल स्पीकर ये कार में आपको 10 स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको म्यूजिक में भी एकदम मजा देने वाला है। सो सीट कुछ ऐसा है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, पॉकेट टाइप डिजाइन में फुली लेदर सीट देखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसा ड्राइवर साइड आपको 6-way विद वेंटिलेटेड सीट के साथ फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। को ड्राइवर में आपको 4-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे यहाँ से आप टेल का लीड खोलेगा, यहाँ से बोनेट खोल पाएगा। ऊपर की तरफ देखिए या तो यहाँ से आप ORBM को कंट्रोल्स कर सकेगा, उसका जो ग्लास वगैरह को, और इसमें क्रूज कंट्रोल्स का फीचर्स आपको दे दिया गया है। यहाँ से आप बूट खोल पाएगा। सो क्रूज कंट्रोल भी आपको इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स मिल जाता है। सो सेफ्टी पर्पोज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जो इन्फिनिटी का स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो बैठ के एक बार देखते हैं। सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल स्टार्ट एसिस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल्स, एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। ऑटो ब्रेक वगैरह, नेविगेशन, सब कुछ आपको देखने के मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील काफ़ी बड़ा सा है विथ लेदर फिनिश के साथ, लेदर जो रैपिंग किया हुआ है वो जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको नजर आएगा। आपको इस साइड में मीडिया कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे MG का प्रीमियम लोगो। राइट साइड में आपको फोन रिसीव कट एंड म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो कुछ ऐसा है, स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही देखने के लिए मिल जाता है। सो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएंगे। कार में जो डिजिटल क्लस्टर है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल मैं ऑन नहीं किया हुआ है। और यह है 14 इंच का आपको टच स्क्रीन देखने के लिए, काफ़ी बड़ा सा, जिसमें आपको 3 ईयर्स का इंटरनेट फ्री देखने के लिए मिल जाता है कंपनी की तरफ से। JioSaavn जैसे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। वॉइस कमांड के द्वारा आप काफ़ी ज़्यादा चीज एक्सेस कर पाएगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसे वायरलेस फीचर्स आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे मिल जाएगा। वॉइस कमांड आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में ही सपोर्ट करता है। सो आप सनरूफ ओपन, ओपन AC, ऑफ AC, म्यूजिक चेंज, म्यूजिक स्टॉप, सब कुछ आप यहाँ से कर पाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी मजा होने वाला है। जैसे कि आपका फ्रंट में ट्रैफिक जाम है कि नहीं वो आपको आगे बता देगा। सो काफ़ी ज़्यादा नेविगेशन सिस्टम, एडास फीचर्स, इसका AI सिस्टम काम करता है ये गाड़ी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं JioSaavn आपको इनबिल्ट मिलेगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। म्यूजिक आप ऑनलाइन यहाँ पे मजा ले सकते हैं म्यूजिक का, एंड नेविगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे सेल्फ बटन वगैरह दिया हुआ है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम जहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटर एंड आपको बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि फ्यूल लेवलिंग एंड इंजन हीटिंग वगैरह। इस कार में आपको पावर देखने के लिए मिल जाएगा, 141 BHP एंड 5000 RPM जनरेट करके देगा। 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा। ये पेट्रोल वाला का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पेट्रोल वाला का ही रिव्यू दे रहा हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा आपको इंजन पावर एंड टॉर्क भी देखने के लिए मिल जाएगा। माइलेज सिटी में आपको 11 to 12 देखने के लिए मिलेगा पेट्रोल में। ये वाला जो वेरिएंट है आपके सामने, मैनुअल ट्रांसमिशन आप देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें 6 स्पीड गियर देखने के मिलेगा। यहाँ पे वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिल जाएगा। ड्राइवर एंड को ड्राइवर वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स मिल जाता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक का फीचर्स मिलेगा। ऑटो होल्ड फीचर्स, ऑटो हिल डाउन जैसे फीचर्स मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी तक भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एरिया आपको सिल्वर फिनिशिंग में देखने के लिए मिलता है। बीच में कप होल्डर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल सा देखने मिल जाता है, कुछ ऐसा बड़ा सा। यहाँ पे आर्म रेस्ट फुली लेदर फिनिशिंग के साथ, नीचे की तरफ आपको छोटा सा स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा। स्लाइडेबल आर्म रेस्ट दिया हुआ है। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक IRBM मिल जाएगा डे एंड नाइट। रीडिंग लैंप्स LED में दिया हुआ है। यहाँ से आप सनरूफ ओपन कर पाएगा। यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया हुआ है, कुछ ऐसा। यहाँ पे सन वाइजर विथ आपको मिरर के साथ लाइट्स भी देखने के लिए मिल रही है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों में ही सेम दिया हुआ है, ये देखिए। यहाँ से ये बड़े काम का चीज़ है।
यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फीचर्स, सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ जो वॉइस कमांड में काम करता है। यहाँ से आप स्विच से भी इसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये एरिया अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगा, सॉफ्ट टच मटेरियल। बीच में आपको जो एसी बेंच का एरिया है पियानो ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाता है, जो काफी अच्छा है। ग्लोब बॉक्स कूल्ड में भी मिल जाता है, कूल्ड ग्लोब बॉक्स, डिसेंट सा स्पेस मैं कहूंगा। सो इसे बंद कर देता हूँ और ये एरिया आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, रियर का सीट में आपको क्या क्या मिलता है और कितना आपका हाइट का हिसाब से लेगरूम देखने के लिए मिलेगा देखता हूँ। यहाँ पे भी ये देखिए पूरा ब्लैक पियानो कलर यूज किया गया है। पावर विंडो स्विचेस नीचे की तरफ, वाटर बोतल होल्डर, स्पीकर रिप्लेसिंग एंड कुछ ऐसा यहाँ पे फुट स्टेप मिल जाता है देखने के लिए। ये कैप्टन सीट देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये 6 सीटर वेरियंट है। इसमें आपको 4 7 सीटर वाला भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। रियर की में भी आपको ये देखिए एसी बेंच मिल जाएगा। यहाँ पे यूएसबी से आप चार्जिंग कर पाएगा अपना फोन वगैरह। जो ये लास्ट रो है, थर्ड रो, यहाँ पे 2 आदमी आराम से बैठ पाएगा। ये देखिए लेग रूम आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ ऐसा। सो बैठ के एक बार देखते हैं। बैठने पे ये देखिए यहाँ पे आपको लेग रूम काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपका हाइट 6.7 भी है तो आपको ठीक ठाक लगेगा कुछ ऐसा है। कैप्टन सीट में बैठने के लिए भी आपको अच्छा लगेगा। ऊपर की तरफ यहाँ भी आपको रीडिंग लैंप्स एलईडी में मिल जाते हैं एंड ग्रैब हैंडल विद हुक का साथ। कुछ ऐसा इंटीरियर देखने में आता है। पीछे से अगर आप फ्रंट का देखिएगा तो काफी ज्यादा प्रीमियम नेस। यहाँ से आप ड्राइवर सीट एडजस्टेबल कर सकते हैं सीट का हाइट को। यहाँ पे पॉकेट दिया हुआ है सीट के पीछे। सो आफ्टर मार्केट अगर आप कुछ ढालना होगा वो सब कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है ये गाड़ी में। ओवरऑल सब कुछ आपको मिलेगा जैसे सीट कवर वगैरह। रियर का सीट भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। रियर की तरफ भी आपको 2 सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो को ड्राइवर साइड में भी आपको रिक्वे सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि दरवाजा खोलने के लिए। यहाँ पे ये देखिए 4-वे एडजस्टेबल मिलेगा को ड्राइवर साइड की तरफ में, मैंने पहले आपको बताया था। इंटीरियर का जो लग्जरियस नेस है ना, वो आप यहाँ से एक झलक में ही पता लग जाएगा आपको देख के। डिजिटल की जैसे फीचर्स मिलेगा। डिजिटल की में क्या होता है, जैसे आपका फैमिली में कोई है, किसी को आप डिजिटली अपना की शेयर कर सकते हैं। कहीं आपका गाड़ी लेके जाना होगा या कहीं जाना होगा, वो आप बाद में आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ आपको एडास का जो फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, नीचे की तरफ जो एडास का सेंसर्स मिल जाता है। सो डिटेल में मैंने इस गाड़ी के बारे में जितना जाना आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। सो मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो पे।